हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉर पीजीटी बायोलॉजी टीजीटी केवीएस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस स्टेट्स एंड अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस, तो प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँच तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्वा ऑफ बेलानोगलोस इज इन में से बेलानोगलोसस का लार्वा कौन सा है द तो आंसर इज टोर्नेरिया लार्वा। क्यों क्योंकि क्यों जो मुलर्स लार्वा होता है मुलर्स लार्वा बिलोंग्स टू अ फाइलम लार्वा, एज यू नो दैट कि वो फ्रॉक का लार्वा होता है जो कि एक एम्फीबियन और मेरिया लार्वा जो है लार्वा है वो हैमिकोडेटा का लार्वा होता है सो आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लोरसेंस इन यूफोर्बिया यूफोर्बिया हेरसूटा के अंदर किस टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है इनफ्लोरेसेंस इट मीनस अरेन्जमेंट ऑफ फ्लार फ्लार की अरेन्जमेंट तो इसका आंसर है सांथियम एक ऐसी है, जिसमें जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की एक कप लाइक स्ट्रक्चर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर एक फीमेल फ्लावर जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है और उसके सराउंडिंग नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफ्लोरसेंस है यूफोर्बिया के अंदर लेकिन इसके अलावा हमारे पास और तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं जो कि फ्योरबिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इनको भी मैं बताऊंगा कि ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है इसका आंसर तो बी है सेंथियम लेकिन एक अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अब क्वेश्चन हाइपेंथोडियम से भी आ जाता है तो हाइपेंथोडियम एक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें क्या होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें पेडंकल जो होती है पेडंकल मींस अ स्टाक ऑफ फ्लार जिससे हम फुल फ्लार को पकड़ते हैं वो स्टॉक को बोलते हैं पेडंकल वो पेडंकल फ्लैट हो जाती है फ्लैशी हो जाती है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं और अगर हम उसकी टॉप से देखें तो टॉप से एक हमारे पास टॉप से देखें तो टॉप से हमें एक ओपनिंग दिखेगी क्या बताती है टाइप टाइप ऑफ ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है एक स्टॉक पे नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होती हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन लीनियर फैशन और हर एक नोड से एक ब्रैक्ट रईज हो रही होती हैं फ्लावर की ब्रैक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन हर एक नोट से दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रैक्ट्स अराइज होती हैं इस टाइप की इन्फ्लोरेस को बोलते हैं वर्टिस लास्टर इन्फ्लोरेश सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड हाइड्रोफाइट मीसोफाइट एंड नन ऑफ दीज तो सनकन स्टोमेटा क्या होता है सनकन स्टोमेटाज उन प्लाट्स के अंदर पाए जाते हैं जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन में ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं तो ये जो स्टोमेटा है ये हेल्प करता है प्लांट की रेजिस्टेंट अगेंस्ट ड्राई कंडीशंस उन ड्राई कंडीशंस से बचाने के लिए उन प्लांट्स को हेल्प करता है मीन्स ये एक टाइप की अडेप्टन है तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं तो हाइड्रोफाइट्स पानी में रहने वाले प्लांट्स को पानी बचाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उन प्लांट्स को है जो ड्राई कंडीशंस में है तो जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं तो सनकन्टा ड्राई कंडीशंस में रहने वाले की मदद करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकें तो इसका आंसर है ज़ीरोफाइट मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कंटेन्स अ फ्लूड कॉल्ड वो मेम्ब्रेनस लेबरिंट के अंदर एक फ्लूड होता है इनमें से कौन सा फ्लूड है वो जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर पाए जाते हैं थ क्या होता है मैमब्रेनस लैबरिंथ इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूड फील्ड ट्यूबरथ इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स जो कि फ्लूड फील्ड होती हैं और चैम्बर्स जिनके अंदर फ्लूड फील्ड होता है विच कंटेन्स द रिसेप्टर्स किसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम को सेंस करने के लिए

एंड द बोन विच एनक्लोज इट वो बोन जिसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ प्रेजेंट है उस बोन और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच के फ्लूड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ उसके बाद आता है हिमोलिम्फ हिमोलिम्फ इज अ फ्लूड हिमोलिम्फ वो फ्लूड है जो एनलगोस होता है ह्यूमन के वो या फिर वो के ब्लड के बिल्कुल ह्यूमन के या फिर वर्टिब्रेट के ब्लड के एक फ्लूड प्रेजेंट होता है किसमें इन द आर्थ्रोपोड्स बिल्कुल ब्लड जैसा एक फ्लूड जो कि आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं हिमोलिम्फ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम इज अ करेक्टराइज बाय क्रोमोजोम देखो अब इसमें फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम फोर्टी फाइव नंबर ऑफ क्रोम फोर्टी सेवन एंड एट तो आंसर इसका फोर्टी फाइव नंबर ऑफ क्रोमोजोम अभी टर्नर सिंड्रोम होता क्या है टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज इसमें वैसे एक्चुअली होता क्या टोटल हमारी बॉडी के अंदर टोटल ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखें तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से ट्वेंटी टू पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम में से ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो ऑटोजोम होते हैं और वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है ये टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें फीमेल जो होती है फीमेल के पास इधर पार्शियल और कंप्लीट मिसिंग होता है एक्स क्रोमोजोम का मतलब मतलब जो फीमेल के पास वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है जो कि दोनों एक्स होते हैं अगर उन दो एक्स में से एक एक्स को अगर मैं डिलीट कर दूं तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में से फोर्टी फाइव बचेंगे तो टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने रह जाते हैं फोर्टी फाइव आफ्टर द डिलीशन ऑफ ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम इसीलिए इसका आंसर क्या है बी फोर्टी फाइव नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस अब हर्डमानिया के अंदर एक्सक्रीशन कहाँ होती है अब देखो इसका आंसर है नेफ्रोसाइट्स. नेफ्रोसाइट्स एक ऐसे सेल्स हैं जो हर्डमानिया के अंदर एक्सक्रीशन करवाते हैं वेल well डेवलप्ड एक्सक्रिटरी uh, सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता नर्व गैंगलियोन नर्व गैंगलियोन एक नर्वस uh, सिस्टम का पार्ट है ठीक है न्यूरल ग्लैंड और सोलेनोसाइट्स अब इसमें नेफ्रोसाइट्स एंड न्यूरोग्लैंड न्यूरल ग्लैंड दोनों हेडमानिया के अंदर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अप्रोकैरियोट नोर एंड यूकैरियोट नोस्टोक नोस्टोक जिसको हम एनाबीना नोस्टॉक बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एक एल्गी है जो कि प्रोकैरियोट है सेक्रोमाइसिस सर्विस जो कि एक ईस्ट है क्लेमाइडोमोनास ये भी और बाकी टी एम बी टोबैको मोजाइक वायरस नाइदर अ प्रोकैरियोट नोर एन यू कैरियोट तो so, आंसर इज डी नेक्स्ट आता है कार्बन मोनॉक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एज इट इज कार्बन मोनोक्साइड जो है ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल है क्यों एज इट इज क्या ये कार्सिनोजेनिक या कैंसर कोजिंग है नहीं एंटागोनिस्टिक टू तो, सी ओ टू तो, कार्बन डाइऑक्साइड के एंटागोनिस्टिक है नहीं विद हाइयर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन यस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी जो है वो कार्बन मोनोक्साइड की ज़्यादा होती है इसीलिए वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती जिसके लिए ये हार्मफुल होती है ह्यूमन बीइंग्स से तो आंसर इज सी नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन अ थर्टी थ्री ओल्ड चिक एम्ब्रियो। अब इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सोमाइट्स जो होते हैं सोमाइट्स सोमाइट्स होते क्या हैं सोमाइट्स नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स होते हैं कंटेनिंग द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल इन इनवर्टिब्रेट्स और एक्सोमाइट्स सोमाइट्स एक्चुअली सेगमेंट होते हैं बॉडी के ठीक है जैसे अर्थफॉम में हम देखते हैं हमें बाहर से सेगमेंट्स होते हैं जो अंदर से भी इंटरनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अंदर से भी डिविजन होती हैं उन सेगमेंट की जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और क्लियरली विजिबल जो अर्थफोम के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं बट ऑल्सो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियनिक स्टेजिज़ ऑफ द वर्टिब्रेट जब वर्टिब्रेट की एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तब हमें सोमाइट्स देखने को मिलते हैं वो सोमाइट्स एक ब्लॉक है ऑफ मिजोराम का दैट फॉर्म इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है अलोंग द हेड टू टेल एक्सिस हेड से टेल एक्सिस भी हम देखें तो सेगमेंट्स दिखेंगे वर्टिब्रेट्स में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो कितने नंबर ऑफ सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम वर्टिब्रेट किस वर्टिब्रेट स्पीशीज की बात करें ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वहां पे थर्टी एट टू थर्टी नाइन सोमाइट दिखते हैं ह्यूम की बात करें चिक एम्ब्रियो के अंदर फिफ्टी वन टू फिफ्टी थ्री सोमाइड्स दिखते हैं चिक एम्ब्रियो में सिक्सटी टू टू सिक्सटी फाइव सोमाइट दिखते हैं माउस एम्ब्रियो के अंदर तो अगर मैं अलग अलग चिक एम्ब्रियो की अलग स्टेजेस की बात करूँ तो हमें ट्वेंटी फोर आवर्स का अगर मैं एम्ब्रियो देखूँ ट्वेंटी फोर आवर्स का एम्ब्रियो तो ट्वेंटी फोर आवर्स के एम्ब्रियो में हमें दिखते हैं फोर पेयर ऑफ सोमाइट्स थर्टी आवर्स के एम्ब्रियो में दिखते हैं एट टू टेन पेयर ऑफ सोमाइट्स एंड थर्टी थ्री आवर्स में दिखते हैं टेन टू ट्वेल्व पेयर ऑफ सोमाइट्स तो आंसर इसका आएगा ए टेन पेयर ऑफ सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन थर्टी थ्री आर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो अगर मैं बात करूँ फोर्टी एट आवर्स चिक एम्ब्रियो की तो ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट पेयर ऑफ सोमाइट्स एंड सेवेंटी टू आवर्स में दिखते हैं हमें थर्टी सिक्स पेयर ऑफ समफिकेशन इंप्रेशन एंड कंप्रेशन आर द टाइप ऑफ पेट्रिफिकेशन इंप्रेशन एंड कंप्रेशन आर द टाइप ऑफ तो पेट्रिफिकेशन इंप्रेशन एंड कंप्रेशन किसके टाइप्स हैं ये सब फोसिल्स के टाइप्स हैं बैक्टीरिया नहीं है ये स्पोर्स नहीं है वायरस नहीं है ये टाइप्स है फोसिल के नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट अब इलेटर्स क्या होते हैं इलेटर्स वो सेल्स होते हैं दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मॉइस्चर जब एनवायरमेंट में मॉइस्चर चेंज होता है उस मॉइस्चर के चेंज होने की वजह से वो सेल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं तो वो इनमें से इन टेरिडोफाइट में से कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनके अंदर ये इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं आंसर इज इक्विसिटम। इक्विसिटम के अंदर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर एनवायरमेंट में मॉइस्चर चेंज होने की वजह से अपना शेप चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबोटनिस्ट अब पेलियोबोटनिस्ट क्या होता है पेलियोबोटनिस्ट इज स्टडी ऑफ द फोसिल प्लांट्स इनमें से कौन फेमस पेलियोबोटनिस्ट है दैट इज बीरबल सहानी ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट बीरबल सहानी हेंसन्स नोड्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन ऑफ हेंसन्स नोड क्या होती है चिक एम्ब्रियो के अंदर एक नोड प्रेजेंट होती है जिसको हम नोड्स बोलते हैं हेंसन्स नोड बोलते हैं बिकॉज ऑफ़ इट्स डिस्कवर डिस्कवरर जिसका नाम हैंसन था हैंसन था वो फर्स्ट डिस्क्राइब जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इस नोड को हैंसन नोड वो होती है जहाँ पे गैस्टोलेशन स्टार्ट होती है वो साइट होती है जहाँ से गेस्टुलेसन स्टार्ट होती है एंड वो साइट होती है जहाँ से तीनों जर्म लेयर्स एक्टोमीजो एंड एंडोडर्म ये तीनों लेयर्स बनना स्टार्ट होती हैं और ये मेनली किसमें होती है चिक के अंदर पाई जाती है

प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो वस्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग एक नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जिसको हम बंडल शीट सेल भी बोलते हैं विच लुक्स लाइक अ रिंग और अ रेड जिसको हम बोलते हैं क्रैंस इसीलिए हम इसको बोला क्रैंस एनोटमी क्रैज ए नोटमी मेनली फाउंड इन सी फोर प्लांट्स नोट इन सी थ्री केसेज तो आंसर बी जो है रोंग है आंसर सी भी रोंग है क्योंकि वो दोनों में भी प्रेजेंट नहीं होती सिर्फ सी फोर में ही होती है तो आंसर इज ए प्रेजेंट इन सी फोर प्लांट्स नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन वन इन सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है इट इज रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ठीक है तो ये अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग होती है जैसे लिपिड के लिए इट इज ज़ीरो पॉइंट सेवन प्रोटीन के लिए जीरो पॉइंट एट कार्बोहाइड्रेट के लिए वन तो इट्स वैल्यू कैन बी वन ज़ीरो मोर देन वन एंड लेस देन वन कार्बोहाइड्रेट के लिए वो लेस देन वन नहीं होती वो इक्वल टू वन होती है इसका मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उतना ही वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ इट मींस रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द रेशो इट मींस द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज़ इक्वल टू वन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो इसने पूछा क्या था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन वन वन से कम किसमें क्योंकि फैट्स और प्रोटीन्स में लेस देन वन होती है प्रो फैट के केस में ज़ीरो पॉइंट सेवन प्रोटीन के केस में ज़ीरो पॉइंट एट और कार्बोहाइड्रेट के केस में वन अगर मिक्स्ड डाइट हो तो ज़ीरो पॉइंट एट ये याद रखना